हेलो डियर ऑल, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना और पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम लोग जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं वो 100 ms का कैसियो का कैलकुलेटर है। इसके लिए कुछ नोटेशन सीख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट की है, ये शिफ्ट की है, इसके जस्ट ऊपर लिखा शिफ्ट जो कि ब्राउन कलर से लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसा नोटेशन जो ब्राउन कलर से लिखा होगा वो शिफ्ट के साथ यूज होगा, इसका मीनिंग ये हुआ। तो आप देखें ऐसा कहाँ पे है, तो हम जो यूज करने जा रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में फोकस करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे आर और थीटा, ये प्लस वाली की के जस्ट ऊपर देखिए आर लिखा हुआ है और थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेंशन है POL मीन्स पोलर। दूसरा माइनस वाली की यूज करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ A+BI और साइड में क्या लिखा हुआ REC मीन्स रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है। तो इन्हीं का यूज करना है। एक बार अगर आपको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में तो आपको यूज करना है प्लस वाली की, और अगर आपको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो आपको यूज करना है माइनस वाली की। ठीक है, तो इसके लिए अब आगे मूव करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऑन करना है, इसको ऑन कर दिया। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो अभी आपका कैलकुलेटर अभी कॉम्प्लेक्स मोड में नहीं आया है, ये अभी नॉर्मल मोड में है। तो इसको कॉम्प्लेक्स मोड में लाने के लिए इस वाली मोड की को एक बार प्रेस करिए। अब एक बार प्रेस करने के बाद कह रहा है कि कॉम्प के लिए एक प्रेस करो, कॉम्प्लेक्स के लिए दो प्रेस करो। तो हमें कॉम्प्लेक्स में आना है तो हम यहाँ पे दो प्रेस कर देंगे, दो प्रेस कर दिया। तो अब आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में आ चुका है। अब कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज जो मैं डेटा यूज करने जा रहा हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म का डेटा, दैट इज 6+J9, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में क्या आ जाएगा, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा और एंगल आएगा। ये पोलर फॉर्म है, R angle theta, R मैग्नीट्यूड है और थीटा एंगल है। तो आप देखें, अब मैं 1 by 1 स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा 6+J9, सबसे पहले तो यहां पे एंटर कराऊंगा 6+9, और इसके बाद ये जो कैलकुलेटर है ये जे नहीं समझता, ये आई समझता है। तो यहां पे देखें ENG की आपको दिख रही होगी, ENG की ये की है, ENG की इसको प्रेस करिए। जैसे आप प्रेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आई। इट मीन्स अब आपने डेटा एंटर करा लिया है, इसको कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म के लिए शिफ्ट का की प्रेस करो एक बार, शिफ्ट, और प्रेस कर दो प्लस वाली की आर थीटा। इसके बाद इक्वल प्रेस कर दो। जैसे आप इक्वल प्रेस कर दोगे तो आप देखें मैग्नीट्यूड आ गया 10.8166, और एंगल आ जाएगा। फिर से शिफ्ट की प्रेस करिए, शिफ्ट की प्रेस करिए, इक्वल प्रेस करिए, तो एंगल आ गया 56.3099। इट मीन्स क्वांटिटी आपको किस में दिया हुआ था, क्वांटिटी गिवन था रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सपोज यही क्वांटिटी आपको गिवन है, सपोज सेम क्वांटिटी आपको गिवन है, और मैं वापस रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या करूंगा, यहां लिखूंगा पहले 10.8166, और एंगल लिखना है। तो एंगल के लिए आप देखें इस जो ब्रैकेट में माइनस है, ब्रैकेट में माइनस, इसको प्रेस करना है किसके साथ, शिफ्ट के साथ एंगल, और ये वैल्यू है 56.3099। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। फिर से शिफ्ट की यूज करूंगा, शिफ्ट, और माइनस वाली की प्रेस कर दूंगा, देखिए माइनस वाली की, माइनस, तो आ गया A+BI। इक्वल प्रेस करिएगा, तो जैसे इक्वल प्रेस करिएगा तो क्या मिल गया, आपका आ गया रियल पार्ट 5.999 करके आ रहा है। इट मीन्स वो ऑलमोस्ट 6 है क्योंकि हमने कुछ डेटा छोड़ दिया था, तो ये आ गया 5.9999 लाइक दैट, प्लस J टाइम्स इमेजिनरी कैसे मिलेगा, शिफ्ट के साथ फिर से इक्वल प्रेस कर दीजिए, शिफ्ट के साथ इक्वल, तो कितना आ गया 8.999। इट मींस ऑलमोस्ट 999 है ये, ठीक है, मींस कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, तो आप देखें कि मैं सबसे पहले मैंने क्या किया,
रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में ले आए, इसके बाद पोलर पोलर फॉर्म से वापस रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले आए, ठीक है? ओके।